तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन को एक्टिवेट कर सकते हो। आपको पता ही होगा अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं और अगर आप 155 या फिर उससे ऊपर का कोई भी रिचार्ज करवाते हैं तो आपको फ्री में अमेजन प्राइम का जो मोबाइल एडिशन है, जो आप इनकी प्राइम वीडियोज है, उसका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाता है 30 दिन के लिए। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको एक बार अमेजन एप्लीकेशन में जाकर दिखा देता हूँ, जो उनकी वीडियो वाली एप्लीकेशन है, कि यहाँ पे क्या क्या आप देखने को आपको मिलता है। पहले अगर आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया तो आपको कैसा इंटरफेस मिलने वाला है, कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना साइन इन कर लेना, और अगर आपके पास अकाउंट पहले से तो साइन इन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। इसी पेज से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ पुष्पा मूवी है, अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे पेमेंट इन्फॉर्मेशन ये पूछने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने अपना प्लान को एक्टिवेट नहीं किया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ वॉच पे, तो वॉच विथ टाइम लिखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि मुझे पेमेंट करना होगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऐसा ऐसा कुछ पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप एयरटेल के कस्टमर हो और अगर आपने प्लान रिचार्ज किया हुआ है और आपके रिचार्ज के साथ फ्री में अमेजन प्राइम आता है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। वहाँ पर आपको ऐसा कोई भी मतलब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत ही आसानी से अपना अमेजन प्राइम को यूज़ कर सकते हो। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको इनकी एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में आना होगा सबसे पहले, और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होगा। चलिए मैं एक बार थैंक्स एप्लीकेशन को इनकी ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा डिस्कवर एयरटेल थैंक्स पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे ऑफर मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरे पास जो ऑफर है, ये प्राइम मोबाइल एडिशन फ्री ट्रायल का मेरे पास ऑफर है, और इसको एक्टिवेट करना है तो नीचे आपको एक्टिवेट का बटन भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको नीचे वाले एक्टिवेट बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलने वाला है मोबाइल एडिशन का, जो इनका मोबाइल एडिशन है। वहाँ पे आप फ्री में मूवीज देख सकते हो, उसका 30 दिन का आपको यहाँ पे ट्रायल मिल जाएगा। तो कैसे इसको एक्टिवेट करना है, सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट नाउ, और यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन वगैरह भी मिल जाती है ऑफर के बारे में। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन है कुछ वो भी देख सकते हो। चलिए मैं एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यह आपको एक साइनअप पेज पर लेके आ जाएगा, जहाँ पर आप अमेजन प्राइम के लिए साइनअप कर सकते हो। और अगर आपने पहले से साइनअप किया हुआ है और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, तो आप नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके वहाँ से लॉगिन भी कर सकते हो। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और आप पासवर्ड डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। अगर पहले से अकाउंट है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। मेरे पास पहले से अकाउंट है, चलिए मैं अपने अमेजन वाले अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, योर प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन सब्सक्रिप्शन इज नाउ एक्टिव, टू एक्सेस योर सब्सक्रिप्शन आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी इनकी प्राइम वीडियो ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद आप प्रीमियम मूवीज देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो चलिए मैं एक बार उस एप्लीकेशन में जाकर भी आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मुझे अभी जो पहले पेमेंट मांग रहा था पेमेंट मांगता है या नहीं मांगता है, क्या कुछ चीज़ें होती है। तो चलिए मैं एक बार एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि अब मैं मूवी देख पाऊंगा या फिर नहीं देख पाऊंगा। यहाँ पे मैं एक बार साइन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। तो लाइट गाइस, जैसे आप देख सकते हो पुष्पा मूवी है, और यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यू वॉचिंग का ऑप्शन आ गया, और अगर आप इस पर रिफ्रेश वाले पे बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी मूवी दोबारा ही शुरू हो जाएगी। चलिए मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपनी मूवी को प्ले भी कर सकते हो। अब मुझसे वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है जो पहले मांग रहा था, क्योंकि मैं सक्सेसफुली एक्टिवेट कर चुका हूँ अपना प्लान को। तो ऐसे ही आप भी अपने प्राइम वीडियो एडिशन को एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कितने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन को एक्टिवेट कर सकते हो। सो गाइस यही था इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए #okbye एंड बी सेफ।